परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अविलास साहिब जी के सूत्रों पर थोड़ी चर्चा, साथ साथ उनका जीवन कैसा रहा, कैसे आदर्श रहा, कैसे गुरु और सदगुरु थे वो, उस पर थोड़ा चर्चा करें। सबसे पहली बात है, जो एक बार गुरुदेव जी से मिल चुके हैं एक बार भी, और उसके बाद कई संतों से मिले हों, कई गुरुओं से मिले हों, और गुरुदेव जी के विचारों समझ गए, उनके जीवन को देख लिए, तो एक ही बार में वो बता सकते हैं कि गुरु कैसे होना चाहिए, एक महान शास्त्रता को कैसे होना चाहिए, एक समाज के मुखिया को कैसे होना चाहिए। गुरुदेव जी को देख करके कोई भी बता सकते थे। उनका जीवन कुछ अलग ही ढंग का था। दुनिया में अधिकतम लोग कहते हैं तब कहीं करने का प्रयास करते हैं, या तो कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन गुरुदेव जी ऐसे थे जो कहते थे उसके पहले करते थे। बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे वो, बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे। जैसे कुम्हार मिट्टी को ले करके कैसे ठोक ठोक करके, बजा बजा करके, अंदर से सहारा दे करके घड़ा का निर्माण करता है, ठीक वैसे ही गुरुदेव जी थे। साधकों को अंदर से बाहर से सहारा दे दे करके वो निर्माण करते थे। गुरुदेव जी सत्य के साथ जिए थे, और सत्य के साथ जीते हुए भी इतना सरल थे कि कहा नहीं जा सकता। वो जानते थे कि यह व्यक्ति गलत है। उनकी मनोवैज्ञानिक देखिए, जानते थे कि व्यक्ति गलत है, पर भी उनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अवसर देते थे। वो प्यार से समझाते थे, सहारा देते थे, कभी डांटते भी थे, लेकिन उनका डांट भी प्यार होता था। उनका शुरुआत का तरीका ही अलग था। कोई आदमी कितना भी बड़ी गलती कर दे, उनको पहले प्यार से समझाना, फिर थोड़ा समझाना, फिर डांटना। इसलिए आज पूरे कबीर पंथ में, पारखी संतों में गुरुदेव जी के प्रति जो श्रद्धा है वो अटूट हो गई। समाज को कैसे हैंडल करना चाहिए, समाज के लोगों को कैसे समझाना चाहिए, महान शास्त्रता थे वो। उनके पास कोई इधर उधर की चर्चा, निंदा, चुगली नहीं करते थे। उन्होंने अपना जीवन ही ऐसा बनाया कि उनके पास कोई तेज आवाज से बात नहीं कर। देखिए, तेज आवाज से बात नहीं करने का अर्थ दो होता है, या तो कोई आदमी डर से नहीं करते हैं, या तो कोई आदमी के पास में वैसा अवसर ही नहीं आता है। लेकिन गुरुदेव जी को डर से नहीं, गुरुदेव जी ने ऐसा माहौल ही बनाया कि उनके पास किसी को जाकर के बोलने का अवसर ही नहीं पड़ा। एक ऐसा वातावरण बनाया उन्होंने कि किसी को उलझना नहीं पड़ा उस चीजों में। साधकों को महत्व बहुत देते थे वो, और संत समाज में संत गुरु जन का सहारा, नए साधक आते हैं उनके सहारा संत गुरु जन ही होते हैं, और गुरु हो जाने के बाद भी उनके सहारा संत समाज ही होते हैं। कभी भी ट्रेन में यात्रा करते थे, कभी नहीं कहे उन्होंने इसलिए मेरे शिष्य है, मेरे चेले, कभी नहीं कहे, उन्होंने यही कहा कि मेरे साथी है। 5000 प्रवचन है लगभग यूट्यूब पर, कभी उन्होंने कटुता भरे प्रवचन नहीं किया। उनका आदर्श ही कुछ अलग था।
मैंने कहा ना, जानते थे कि वो गलत हैं, पर भी इतना सहारा देते थे कुम्हार की तरह। वो कुम्हार तो एक मिट्टी का ही निर्माण करता है, लेकिन वो एक ऐसे अलमस्त संत थे कि इंसान को इंसान बनाया उन्होंने। प्रवचनों में कई बार प्रशंसा करते साधकों का, बाहर भी आश्रम में भी, हमारे संत ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मिलिट्री के सैनिक की तरह तैयार, इतना उत्साह भरते थे, उनका तरीका ही कुछ अलग था। बार बार उत्साह भरते थे, हमारे साधक मिलिट्री के सैनिक की तरह तैयार रहते हैं, कभी भी कहो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, और वास्तव में वो चीज था भी। इसलिए बोलते थे, ऐसे नहीं बोलते थे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि सारे समाज उनके लट्टू थे, कभी भी कुछ कहते कोई भी सब तैयार रहते हैं। उसी के बदौलत है जो आज उस उनके छत्र छाए पर हम सब बैठे हैं। एक पिता है, यदि वो जज है तो जज का लड़का जज बन जाए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उनसे कहीं अच्छे पोस्ट पर जाए तब बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जज का बेटा जज तो नहीं बन पाता, एक चपरासी के लायक भी नहीं रह जाता है। सबके पास योग्यता अलग अलग होती है, गुरुजी के पास वो अलग योग्यता थी। गुरुजी ने शून्य से शुरुआत किया, और शून्य से शुरुआत करके आज कहां खड़ा कर दिया समाज को, ये उपलब्धि नहीं है इतना बड़ा आश्रम बनना। उपलब्धि है कि उनके जन सैलाब कितने हुए, जन सैलाब में उनको कैसे पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। उनकी जन सैलाब में चर्चा कैसी होती है, उनके बारे में साधकों के बीच में चर्चा कैसे होती है, उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा कैसे होती है, उनकी जीवनचर्या के बारे में चर्चा कैसे होती है, उनके कितने दुश्मन होंगे। और सदगुरु श्री अबलास साहेब किसको दुश्मन मानते थे, कोई नहीं उनकी जी, भले कोई मानते रहे हों वो भी अपवाद में कोई हो पता नहीं, लेकिन वो किसी को हे दृष्टि से नहीं देखे, किसी को आलोचना के ढंग से नहीं बोले, किसी के साथ कटुता का व्यवहार नहीं किए, सब जगह प्रेम प्रेम प्रेम। और उनका एक सूत्र भी है, प्रेम में स्वर्ग और अनासक्ति में मोक्ष है। प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो कि हंसते हुए को रुलाया जा सकता है, रोते हुए को हंसाया जा सकता है। प्रेम एक ऐसा माध्यम है कि खूंखार से खूंखार जानवर को अपने वश में किया जा सकता है और किया जाता है। बाघ शेर को अपने वश में सिर्फ प्रेम से करते हैं, चमकाकर नहीं, बड़ा प्यार से पुचकारते हैं, बैठ जाओ कहते हैं, शेर बैठ जाता है जहां कहता है। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता था, जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण लड़ाई लड़ रहे थे तो अपने घोड़े को इशारा करते थे, इशारा मात्र से उनके घोड़े घुटनों के बल टेक जाते थे। क्या कारण है, श्री कृष्ण अपने घोड़े को कभी चाबुक नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ प्रेम के इशारा पर नचाए हैं। और प्रेम से ही हम समाज का निर्माण कर सकते हैं, प्रेम से ही अपने बात को हम बनवा सकते हैं। और वो सूत्र गुरुदेव जी के पास था, एक ऐसे निराले, उनका अंदाज ही अलग था। कभी डांटते भी थे, लेकिन डांटना भी उनका प्यार पूर्वक रहता था। वो हर साधक को चुभती है उनकी बातें, आज वैसा प्यार करने वाले और नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए चुभती है। वैसा समाज को जोड़ने वाले शास्त्र नहीं मिल पा रहे हैं, जो समाज को वैसा जोड़ सके, वैसा प्यार दे सके, वैसा शासक नहीं हो पा रहे हैं पारक सिद्धांत में। और मेरी दृष्टि से
बड़ा अचूक ढंग था उनका। देखिए, एक आदमी शून्य से शुरुआत करते हैं और शून्य से शुरुआत करते करते समाज को कहां ला करके खड़ा कर दिए, इतना समाज जोड़े, इतना समाज जुड़ते गए, जोड़े नहीं ये भी बात जाने आप, उस समाज को जोड़ने का प्रयास नहीं किया, उनके स्वभाव और उनके आचरण समाज से जुड़ता गया, समाज खुद जुड़ता गया उसमें, किसी को बुलाए नहीं है अपने पास, तुम आ जाओ करके। गुरुदेव जी के रहते रहते यहां 70 लोग थे, पूरे समाज उनको स्वीकार करते थे, खास उनके पास में प्रेम था, और जो रहे करवा सुनी करे टूटी, कहा जाता है एकदम सही है, जिसके पास में जो रहता है वही निकलता है। हमारे पास में कटुता है तो कटुता निकलेगी, प्रेम है तो प्रेम। बड़े बड़े उजड़ते घर को उन्होंने प्रेम से जोड़ा है, प्रेम से बस जोड़ा है, प्रेम से समझाते थे, देखो बेटा ऐसा ऐसा है, उनकी बात हर कोई मानने को तैयार थे। एक भाई दूसरे भाई के लिए गुंडा लगाते हैं, दुश्मनी भाव से मरवाना चाहते हैं, लेकिन एक शब्द कान में पहुंच जाती है, वो आदमी प्रेम से जीना शुरू कर देते हैं, समाधान मिल जाता है उनको। बड़ा अद्भुत ढंग था। कभी उन्होंने धन को महत्व नहीं दिया, जन को महत्व दिया, व्यवहार में जन को महत्व दिया और अध्यात्म में मन को महत्व दिया। व्यवहार में जन को धन समझा और अध्यात्म में मन को धन समझा। उनकी जीवन बोलता था। जब प्रोग्राम में जाते थे वो, मैं छोटा था, हमारे जन्म हुई प्रोग्राम हुआ तो हमारे जन्मभूमि रोड के किनारे मकान है, वहां से करीब आधा किलोमीटर अंदर गांव के अंदर प्रोग्राम देने जाते थे, पैदल चलते थे उस समय। अब तो गाड़ी घोड़ा की जमाना है, समय के हिसाब से आदमी ढलते भी हैं। तो जब गुरुदेव जी चलते थे तो हमारे फोटोग्राफर थे, वो फोटो लेना चाहते थे, नहीं ले पाए। गुरुदेव जी इतना कोई तरफ इधर उधर नहीं देखते थे, एकदम सीधा चलते जाते थे, अपने गति पर थे, मस्त, नहीं खींच पाए फोटो वो, उनका अंदाज ही अलग था। लोग बड़े दौड़ के देखते थे निकल करके, साहेब जी आ रहे हैं, साहेब जी आ रहे हैं, अपने चौखट से बाहर आकर के निकल के देखते थे, मिनटों में निकल जाते थे, चेहरा इधर उधर नहीं करते थे वो, जितना मतलब है उतना ही, धड़ 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 चलते जाते थे और जा करके मंच में बैठते थे, प्रवचन शुरू। उनका तरीका बड़ा अद्भुत है, जितना गिनाया जाए उतना ही कम है। परिवार में माँ बाप जिस तरह से बच्चे को प्यार देते हैं, कहीं वैसा ही प्यार समाज में साधकों को गुरुदेव जी से मिलता था। और ये मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। हम सबको एहसास होता था, सब कहते थे कि गुरुदेव जी मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे ऐसा एहसास होता था। और सबकी बात सुने तो समझ में आया, गुरुदेव जी किसी व्यक्ति विशेष नहीं, हर व्यक्ति से वो प्यार करते थे। किसी का तबीयत खराब रहता था जरूर देखने जाते थे। 2006 में मैं आया था, 7 में मेरा पैर टूट गया था। गुरुदेव जी जब भी आते थे प्रोग्राम से तो जरूर एक बार देखने जाते थे। इतना व्यस्त होते हुए भी, इतना व्यवहार लेते हुए भी, इतने पुस्तक लिखते हुए भी, इतना प्रोग्राम देते हुए भी, जब आश्रम में आए तो आश्रम के हर व्यक्ति का हाल चाल लेना, उनके पास जा करके पूछना, बात करना, ये बताता है कि साधकों को कितना महत्व देते थे। सदगुरु देव जी ने कभी प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं पड़े जीवन को अपने। और ये कबीर पंथ में, पारख सिद्धांत में, पारखी संतों में ज्यादा ये प्रचार प्रसार का चक्कर अब भी नहीं है। जो सहज हो जाता है वो चलता है, लेकिन आदमी थोड़े थोड़े चीज में अपने आप को बदलते जाते हैं और समाज में जो प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं हो पाता है, समाज टूटता चला जाता है। गुरुदेव जी जो सूत्र आश्रम के लिए लागू करते थे वही सूत्र बाहर भक्तों के साथ लागू करते थे।
जैसा बाहर जीते थे वैसा अंदर भी जीते थे। उनका अंदर बाहर एक था। हम सबको अब झांकना चाहिए, क्या अब भी वैसे हैं हम? गुरुदेव जी के शाश्वत नियम के तहत अंदर बाहर एक, जो बाहर बात करते हैं बाहर चलते हैं वैसे अब भी हैं? क्या गुरुदेव जी का नियम, मोटी मोटी नियम है, कभी फॉलो हो पाता है जीवन में? क्या हम जन को महत्व देते हैं? साधु समाज में हम साधकों को, संतों को, गुरुजनों को महत्व देते हैं? क्या हम समाज में प्रेम का उद्घाटन करते हैं, प्रेम को अवतरित होते देते हैं, या अपने अहंकार को साबित करते हैं? हमको साहेब जी वर्तमान में गुरुदेव जी बीच बीच में कहा करते थे, हमको कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे गुरुदेव जी की बदनामी हो। जो आदमी जितना लेवल में रहता है, जितने ऊंचे पोस्ट पर जाते हैं, उनकी छोटी गलती बड़ी बन जाती है, समाज में नियम है। मैं कल साधक हूं, अगर कल आकर के बहुत बड़ी गलती करता हूं तो भी वो गलती दफन हो जाती है। लेकिन जितना जितना हमारी साधना बढ़ती जाती है, हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विनम्रता आना चाहिए, वैसे वैसे सरलता आना चाहिए, वैसे वैसे प्रेम टपकना चाहिए। क्या वो हो पाता है? क्या वो बात लागू हो पाता है कि हम समाज में ऐसा जीते हैं, ऐसा बोलते हैं कि समाज में प्रेम बना हो, समाज में एकता बना हो, समाज में टूटान ना हो? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो तरीका बदलना चाहिए हमको। कहीं लगता है हमसे गलती हुई है तो हमको हिम्मत रखना चाहिए अपने आप में कि हम अपने गलतियों को स्वीकार कर सके। हम गुरुदेव जी की एक बात रही है कि उनकी गलती न रहने पर वो देखते थे कि सामने वाले मेरे बात करने से वो बदल सकते हैं, तो बात जरूर कर लेते हैं। कभी अहंकार उनके सामने नहीं आया है, कभी नहीं आया उनके सामने अहंकार। हम लोगों के सामने तो अहंकार फनफनाता है, चाहे जो कुछ हो जाए, जो मैं कहूंगा वही होना चाहिए, ये हमारा मन कहता है। इससे क्या होता है? बर्बादी दूसरे का हो ना हो, हमारी बर्बादी तो पूर्ण रूप से हो जाती है। इस तरह से छत विछत हो जाते हैं हम कि समाज में चर्चा फैल जाती है हमारी कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। फिर वही बात आ जाती है कि हम ऐसे काम ना करें कि गुरुदेव जी की बदनामी हो, फिर वही काम हम करते हैं। गुरुदेव जी की चर्चा करते करते बीत जाएंगे अवसर, समय पूरा बीत जाएंगे, लेकिन चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। उनका जीवन पूरा खुली किताब है, पूरा पूरा खुली किताब है उनका जीवन। जितना पढ़ सकते हैं साधक उनके जीवन को पढ़ते हैं और अपने को बदलते हैं। किसी भी महापुरुष के जाने के बाद में उसकी क्षतिपूर्ति की पूर्ति बहुत मुश्किल हो जाती है। किसी को भी कहा जाए गुरु गुरु कैसा होना चाहिए, मैं पहले ही कहा तो सब लोग एक स्वर से एक बार गुरुदेव जी से मिले हों कह देंगे गुरु तो होना चाहिए सदगुरु अभिलाष साहब जैसे। मैं एक घटना बताऊं, एक संत मुझे बताए थे, एक नए नए साधक आए थे। मैं पहले भी कह चुका हूं वो साधक दूसरे साधक के साथ लड़ाई किए। नए नए तो थे, यहां तक के अवसर आ गया कि एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा दिए। नए नए साधक है, मन है, सधे तो नहीं है। ये बात किसी माध्यम से गुरुदेव जी तक पहुंचा। गुरुदेव जी ने उस साधक को बुलाया और बुला करके वो बाथरूम में ले गए। अब बाथरूम में ले जाकर के प्यार से पकड़ लिए, बस
वो साधक रो डाले। गुरुदेव जी ने ये नहीं कहा तुम उसको मारे हो, उनको गाली दिए हो, उनको ऐसे बोले हो, ये लफ्ज गुरुदेव जी नहीं कहे। बस गुरुदेव जी उसको पकड़ लिए, वो साधक रो डाले, वो समझ गए। यही एक अंदाज है उनका तरीका जीने का। भरी सभा में उनके बारे में निंदा चुगली की बातें होती थी, लेकिन जब गुरुदेव जी के प्रवचन करने की बात आती तो गुरुदेव जी उसको लगता था कि को अनसुने कर देते थे एकदम, उनके दिल में नहीं चुभता था। हमको किसी ने कहा तो हम पूरा ढिंढोरा पीट देते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, और हम अपने को संत भी कहते हैं। बड़ा विलक्षण है दुनिया। गुरुदेव जी का सूत्र है अपने जहर को पी जाओ और दूसरे के जहर को उगालने का प्रयास मत करो, उस जहर को वहीं खत्म कर दो। दूसरा ने जहर डाला वो हमारे तक फैलता है, मतलब हम जहर को और फैला रहे हैं और विषाक्त बनाते जा रहे हैं। और जहर को जितना जहरीला बनाओ उतना जहरीला बनता जाता है वो। ये जो बाहर जहर मिलता है वो तो इसका सीमित दायरा होता है, लेकिन जो मन की जहर है, मन की कटुता है, इसको हम फैलाना शुरू करते हैं तो फिर परिवार परिवार नहीं रह जाता है और समाज समाज नहीं रह जाता है। मैंने एक दिन और कहा था कि आज भी हमारा आश्रम में बहुत कुछ अच्छा ही है, ऐसा समाज मुश्किल है, उसको हमको जिंदा रखना चाहिए। एक दूसरे में प्यार से बात करें, एक दूसरे में समझौता करें, अपना हट की साधना ना करें हम। ये हट की साधना काम नहीं देती है। किसी की गलती होती है तो बोल सकते हैं तो प्यार से बोल दे, नहीं बोल सकते हैं तो चुपचाप रह जाए। मैंने गुरुदेव जी के सूत्रों के अनुसार से कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। हम सबको इसलिए ऐसे गुरु को हरदम याद करना चाहिए, उनके दिए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जितनी अपनी अपनी योग्यता है, हम जहां पर बैठे हैं जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से हम समाज को अमृत परोसने का काम करें तो शायद सबको अमृत मिलेगा। यदि हमारे जीवन से अमृत निकलना शुरू होता है तो अमृत सब तक पहुंच जाता है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।